उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में हुई बैठक के बाद प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को अब 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल यूपी में कोरोना की रफ्तार में भले ही लगातार कमी आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी और जिलों से सामने आ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर कोरोना कर्फ्यू में सरकार ढील नहीं देना चाहती, और यही वजह है कि एक बार फिर यूपी में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। तो यूपी में कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है, 31 मई तक अब कर्फ्यू और रहेगा, यानी एक हफ्ते और आगे बढ़ गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसके बाद यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कोरोना की रफ्तार जिस तरह से घट रही है, कोरोना कर्फ्यू का भी उसमें एक रोल माना जा रहा है। बेवजह घरों से लोग बाहर ना निकलें और जरूरत के सामान की कमी भी ना हो, कुछ इस तरह के बंदोबस्त इस कर्फ्यू के दौरान किए गए हैं और इसको अब एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। कोरोना की रफ्तार घटी है लेकिन सख्ती जारी रहेगी। और इस पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ विवेक त्रिपाठी हैं और नितिन उपाध्याय आगरा से। लेकिन सबसे पहले रुख हम विवेक का करते हैं। विवेक, लखनऊ में इस वक्त केसेस की क्या स्थिति है? जो कोरोना कर्फ्यू है वो एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है, बेशक संक्रमण की रफ्तार घट रही है, लेकिन सरकार जो है अभी सख्ती घटाने के मूड में नहीं है। जी आस्था, देखिए लखनऊ में 291 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं, जो बहुत कम आंकड़ा है। 500 के नीचे ये आंकड़ा आ चुका है। पिछले 5-6 दिन से लगातार केसों में कमी आई है और 500 के नीचे केस बने हुए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा स्थिर बना हुआ है, 21 मौतें भी हुई हैं, जो मौतों की संख्या को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं और जो सरकार है, पूरे राज्य में मौतों की संख्या को नियंत्रण में नहीं लाया जा सका है। अभी जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश में जो संख्या कम हुई है वो आंशिक कोरोना कर्फ्यू की सफलता की वजह से ही कम हुई है। प्रदेश में 6000 के आसपास जो केस आए हैं बीते 24 घंटे में। आपको बता दें कि जब 7 मई को जब ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी, जब घोषणा हुई थी, उस समय 28000 के आसपास केस थे और अब 6000 के आसपास केस आ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर एक बड़ा सराहनीय प्रयास है सरकार का और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का, सरकारी अफसरों का, जो टीम 9 है उसके जो कोशिशें हैं, इस तरह से पूरा जो समग्र प्रयास किए गए हैं उसका ये फायदा मिला है कि केसेस हर दिन रोजाना करीब 10000 से कम केस आ रहे हैं, जबकि ये सक्रिय केस भी कमी है, जो 1 लाख से कम केसेस आ रहे हैं, सक्रिय केस 1 लाख से कम हो गए हैं और रोज केसों में संख्या घट रही है। आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं, कल जो टीम 9 की बैठक हुई थी उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला किया था सीएम ने कि अगर एक हफ्ते तक कोरोना कर्फ्यू, देखिए सोमवार कल तक लागू है, 24 मई तक कोरोना का आंशिक कर्फ्यू लागू है, अगर इसको हफ्ते भर और बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो निश्चित तौर पर जो 6000 केस आ रहे हैं जो बीते 24 घंटे में आए, वो हो सकता है कि और घट जाएं, 3000-4000 के आसपास केस आ जाएं, और ये बड़ा नियंत्रण साबित होगा, बड़ी सफलता साबित होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये आंशिक कर्फ्यू प्रभावी साबित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है इस समय राज्य में, जो कोरोना की स्थिति है वो मानी जा रही है कि इस तरह से केस कम होते गए, क्योंकि आगे देखिए अभी चुनौतियां बहुत हैं। चुनौती ब्लैक फंगस की आ गई है, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं और जब तक ये कोरोना नियंत्रित नहीं होगा तब तक ब्लैक फंगस से लड़ाई संभव नहीं होगी। और इस बीच ये जो तीसरी वेव की बात कही जा रही है, तीसरी वेव भी सामने आ गई है। अक्टूबर तक आशंका जताई जा रही है कि तीसरी वेव सामने आ जाएगी, उसमें जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। उसको लेकर जो बच्चों से संबंधित अस्पताल है, पीडियाट्रिक है, उनका पूरा संसाधन जुटाए जा रहे हैं। अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनकी देखरेख के लिए उनके पेरेंट्स, मतलब तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसके लिए पेडियाट्रिक हॉस्पिटल से लेकर वार्ड से लेकर उनकी मजबूती, बेड, आईसीयू, सबकी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करने में जुटी है सरकार। आगरा में संक्रमण की रफ्तार फिलहाल कैसी है बताएंगे हमें नितिन उपाध्याय। नितिन, जो ये लॉकडाउन है, मतलब कोरोना कर्फ्यू जो है 31 तारीख तक और बढ़ा दिया गया एक हफ्ते के लिए, तो आगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना की रफ्तार फिलहाल कैसी है और बीते एक हफ्ते में क्या संक्रमण घटा है या किस तरह केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आस्था, देखिए बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कमी आई है और कल तो जो केसेज हैं
वो 57 ही आए हैं। इसके साथ ही टोटल एक्टिव केस हैं उसकी संख्या 1000 से नीचे हो गई है, यानी 980 केसेज हैं। SN मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, CSC PSC, हर जगह बहुत कम ही संख्या में इस समय मरीज अपना उपचार करा रहे हैं। और जो स्थिति जो बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन थी वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही कल भी 64 मीट्रिक टन की एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस आगरा में आई है, तो हर तरह से राहत की खबर है। लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लोग भी लापरवाह हैं, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस आंशिक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है 31 तारीख तक। और ऐसे में ये पूरे जो कोशिश है सरकार, ये कवायद है, किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने शुरुआती स्तर पर कई सारे ऐसे फैसले लेने में देरी की जो बहुत ज़्यादा जिसकी मांग थी। लेकिन अब लॉकडाउन लगातार पूरे मई महीने में लगातार प्रभावी बना हुआ है, तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड वेव के संभावित थर्ड वेव को लेकर भी लगातार तैयारियां हो रही हैं। ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, आगरा में केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कई सारी ऐसी जो महामारियां हैं, पैंडेमिक हैं, इसको लेकर लगातार तमाम प्रयास चल रहे हैं सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। और यही वजह है कि आगरा में भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे मार्केट हैं जहां लोग थोड़े लापरवाह ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार अगर कोई फैसला ले रही है वो आपके ही हित में है। और इस महामारी से लड़ने का जो है हथियार है वो बचाव है, सावधानी है, जो लोगों को खुद रखनी पड़ेगी। प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम कर सकता है, सिस्टम अपनी तरफ से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इन्फेक्शन से दूरी बनाए रखना, उसके लिए सावधानियां बेहद जरूरी हैं। वाराणसी का रुख करेंगे, नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, वाराणसी के मॉडल की तो पूरे देश में चर्चा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां की तारीफ की है, तो यहां फिलहाल संक्रमण की स्थिति क्या है और कैसे कोविड मैनेजमेंट किया जा रहा है? आपको बता दें कि संक्रमण एकदम कम है, संक्रमण की स्थिति है कि 200 तक पहुंच गया है, 200 के भी नीचे अब आने की उम्मीद है संक्रमण की स्थिति। और बनारस में कोरोना लगभग नियंत्रण की स्थिति में है। इसके साथ ही जो लॉकडाउन बढ़ा, जो कहते हैं कि जो लॉकडाउन की तिथि बढ़ाई गई है उसकी तिथि तो बढ़ी, लेकिन लोग अब लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आज आपको सड़कों पर कुछ ज़्यादा चहल पहल दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ ये सड़क है और लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। इसमें ये साइकिल से जो शख्स आ रहे हैं, देखिए ये सज्जन, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, देखिए ये जा रहे हैं, इनको क्या कोरोना छू नहीं सकता, क्या इनको कोरोना नहीं होगा, इन्होंने मास्क नहीं लगाया। जो देखिए दूसरे सज्जन जो साइकिल से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ऐसे में लापरवाही बड़ी है और लोग लापरवाह बने हुए हैं। सब्जी मंडियों की बात कर लें तो सब्जी मंडियों में भी आज भीड़ देखने को मिल रही है। तो सरकार और प्रशासन तो प्रयास कर रहा है, लेकिन आम जनता को, हमें और सभी को जागरूक होना होगा, ये जानना होगा कि अभी कोरोना नियंत्रित है, हमारे बीच से गया नहीं है, और ये तभी दूर होगा जब हम जागरूक होंगे, जब हम सावधानी बरतेंगे। तो लोगों को जगना होगा, प्रशासन ने, सरकार ने अपना काम कर दिया है, और ये देखना होगा कि क्या लोग जागरूक होते हैं या इस जागरूकता को सिर्फ मजाक ही लेते हैं, और आगे और भी स्थिति जो है वो किस तरह की होती है ये देखने वाली बात होगी। वाकई नीतीश, आपने तो हमें लाइव तस्वीरें दिखा दी, मतलब आपके पीछे जो सड़क है, चलती हुई सड़क, वहां पर जो लोग जा रहे हैं, अब भी ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के धड़ल्ले से सड़कों पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से खुद भी दूरी बनानी है, सावधान रहना है, और ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन को फौरन करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं और तीसरी लहर जो है उसको कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक वो आ सकती है। तो हमें उस स्थिति में नहीं पहुंचना है, तीसरी लहर में उसको टालना है, तो सावधानियां जरूरी हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया।